अस्सलाम वालेकुम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। असी पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही पंजा साहिब विखे, जिथे विसाखी जुड़ी हुई है और विसा 323वां खालसा सजना दिवस सजा होया। हिंद सिंध दीयां संगतां कट्ठियां होईयां होईयां ने और असी विछोड़े दे हवाले दे नाल अपनी जिहड़ी एपीसोड है उहनूं अगे वधाउने आ। गल करदे आ भाई साहिब दे नाल, इहनां कोल किहड़ी दर्द भरी कहानी है जिहड़ी कि लहिंदे पंजाब नाल जुड़ी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सर, सब तो पहला मैं सारी संगत नूं विसाखी दे शुभ दिहाड़े दी वधाई दिंदा जी। उस तो बाद गल ए है कि मेरा जन्म तो 1947 तो बाद होया। मेरे जिहड़े पुरखे सीगे बजुर्ग वह डिस्ट्रिक्ट लाहौर पिंड भगियाणा तहसील चूनिया तो इतों उठ के 1947 गए है। मेरे मन की ख्वाहिश सीगी, मेरे पेरेंट्स तो भावें गुजर चुके हैं सारे, माँ भी गुजर चुकी है, पिता जी भी गुजर चुके ने, हाँ माता जी भी गुजर चुके ने, पिता जी भी गुजर चुके हैं। पर मेरे मन की ख्वाहिश सी भी एक बार मैं अपने पिंड के साढ़े पुरखों के पिंड दर्शन जरूर करके आवा। सो असी हुण इस तो बाद ननकाणा साहब जावांगे, लाहौर जावांगे, कोशिश करांगे जे कोई टाइम मिल गया। अनजल की बात है, जे अनजल होया तो जरूर आपके पिंड जाके आवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। हाँ जी जी भाई साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी दे 323वें प्रगट दिवस ते सारे ही खालसा पंथ नूं बहुत बहुत वधाइया होण। अज असी खड़े हाँ गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पवित्र चरण छो गुरद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान दे विच हाँ। सब तो पहला मैं ये साडे वीर जिहड़े आ इन्हां दे चैनल दे नाल मैं बहुत जुड़िया होया हाँ, क्योंकि जिन्ना भी साडे सिख पंथ दीआं पुरातन इत्थों दीआं गुरद्वारा साहिब दीआं इमारतां ने जां इत्थों दा साडा इतिहास पंजाबी जिहड़ा है साडे सिखां दा पाकिस्तान दे विच रह गया है, ये वीर दी बहुत वड्डी कोशिश है। मैं इहदा बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि इहनां दीआं कोई भी वीडियो जिहड़ियां ये पाउंदे ने जिस दा तख्त पड़ी दीआं पाउंदे ने, होर बड़ियां महाराजा रणजीत सिंह दे लाहौर दे विच जिहड़ा दरबार सजदा रहा उत्थों दीआं ननकाणा साहिब दीआं, ये वीर दा बहुत साडी जिहड़ा ना सिख कौम नूं देण आ। मेरे कोल कोई इहो जिहा लफ्ज़ नहीं कि जिस दे नाल मैं इहनां दा धन्नवाद करां, क्योंकि इहनां ने स्पैशल सिखां वास्ते ही ये चैनल बनाया होया है। अज भी बड़ा लम्मा सफर तप तय करके पंजा साहिब दी पवित्र धरती दे उत्ते आण के सिखां वल्लों बहुत सारे सवाल ये पुछ के उन्हां दा नाल जवाब दे रहे हैं। मैं भी मेरा पिछोकड़ दादे पड़दादे दा जिहड़ा है वह लाहौर जिले दे विच जामण पिंड है, मेरा दादा जिहड़ा सी इत्थे रहिंदा सी और उन्हां दे कोले उन्हां टाइमां दे विच दो मरबे जमीन सी और सानू इत्थों जमीन जिहड़ी है वह तरन तारण जिले दे विच खेमकरन दे नेड़े महिदीपुर पिंड दे विच पई सी। अज असी उत्थों दे वसनीक हाँ, गुरू साहिब जी की सिक्खी साडे घर दे विच बहुत ज़्यादा है। मेरे दो बच्चे हैं हिंदुस्तान दे विच इंडिया दे विच वड्डियां वड्डियां स्टेजां दे उत्ते सिक्खी प्रचार कर रहे हैं। अज भी वह बड़ौदा शहर तो अगे गुजरात दे विच विसाखी वाले दिन दे उत्ते दोवें बच्चे जिहड़े सिक्खी का प्रचार करन वास्ते गए ने। मेरी किस्मत दे विच यह लिखिया सी कि जिन्ना चिर तुसी पाकिस्तान दे विच ननकाणा साहिब पंजा साहिब लाहौर दे विच जिन्ना चिर तू दर्शन नहीं निशान सिंह जी करदा उन्ना चिर तुहाडा जिहड़ा सिक्खी का प्रचार इंडिया दे विच जिहड़ा है वह मध्यम है। जिस दिन तुसी पाकिस्तान दे विच अपने गुरु नानक साहिब जी दे घर दे विच जा के तुसी आ दर्शन करके आओगे तुहाडा जीवन उदन सफल होवेगा। मैं अपने वड्डे भाग समझदा हाँ कि अज मैं इंडिया दे विचों चल के और पाकिस्तान की सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इंडिया सरकार का भी मैं धन्यवाद करदा जिन्हां ने सानू वीजे दे के पाकिस्तान दे विच अज बहुत वड्डा जिहड़ा साडे नाल ये जिहड़ा काम कीता है साडा जन्म सफल हो गया है। असी इत्थे आन के अज पंजा साहिब की धरती दे उत्ते जो दर्शन कीते ने बाबा नानक जी दे पंजे दे लगे दे और वली कंधारी दे भी असी जाके कल दर्शन करके आए हाँ और इत्थे गुरद्वारा साहिब दे विच लंगरां दा बड़ा सोहना प्रबंध कीता होया प्रबंधकां ने। पेशावर तो भाई जोगा सिंह जी दे गुरद्वारा साहिब दे नाल संगत जुड़ी जिहड़ी इत्थे पंजा साहिब दे विच उन्हां ने आन के लंगर दा प्रबंध कीता, मैं उस संगत दा भी धन्नवाद करदा हाँ। और जो इत्थे पंजा साहिब दे गुरद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी है उन्हां दा बहुत सोहना लंगर चल रहा है,
और कमरिया की भी बहुत वधिया इत्थे सहूलत आ। पर ऐतकी मैं पाकिस्तान और इंडिया की सरकार का इस गलों धन्यवाद करदा कि इन्होंने बहुत सारे सानू वध वीजे दिते हुए हैं, जिहड़ी संगत साडी जिहड़ी है इत्थे बहुत ही काफ़ी जिहड़ी है पहुँची हुई है ते अपना जन्म सफल कर रहे हैं। मैं अपने वीर जी का बहुत धन्यवाद करांगा क्योंकि इन्होंने जो चैनल बनाया है उस चैनल के नाल मैं आप खुद जुड़िया रोज़ दे रोज़ मेरे ख्याल एक दो वीडियो मैं इन्हां दीआं वेखना हाँ ता ही मैं मैक दे सामने इन्हां दे नाल जिहड़ा रास्ता कायम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का और इन्हां वीरां दा इत्थों दी प्रबंधक कमेटियां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अपने निशान सिंह वीर जी आस्ट्रेलिया तो आए थे, दो साल बाद वापस गए ने, एक होर निशान सिंह आ गए ने, लगता है मेरा ख्याल है कि अपने चैनल राही दूसरे निशान सिंह ने और ये भी जाके मन लगता खालसा हिस्ट्री और खालसा प्रचार से झंडे गड्ढन गए, जिस तरह के इस वे वीर निशान सिंह आस्ट्रेलिया वाले जिहड़े ने उन्होंने प्रचार बहुत जोर शोर से है। हाँ जी जी, वो प्रचारक ने, उन्होंने डैडी जी भी प्रचारक ने, तो वह बहुत वधिया काम किया उन्होंने, वो 22 दिन मेरे नाल इत्थे ला के गए और उस तो बाद मैक नहीं उन्होंने छड्डिया। वाह जी वाह, मैक तो फिर देता है ना, नहीं पहले बोलते नहीं सी, कहंदे जी मैं बुलारा नहीं हां। हां जी, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 22 ਦਿਨ 22 ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਇਸ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਦਾਰ ਜਿਸਨੇ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਦਾਰ ਜਿਸਨੇ, ਤ੍ਰਿਭਤਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ 84 ਵਾਲਾ, ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਦਾਰ ਜਿਸਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਉਲਟਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਉਲਟਿਆ, ਕੌੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਕੌੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਲਟਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਲਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ।